शाम के तकरीबन 5:15 बजे हैं और मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। और अगर चारों तरफ मैं आपको दिखाऊं तो धुंध कुछ इस प्रकार से हो गई है जम्मू में कि आपको इस समय मैं तवी ब्रिज पर हूं और यहां से सामने की तरफ आपको मैं बता दूं कि फोर्थ ब्रिज है, यानी कि जिसको हम चौथा पुल कहते हैं, वो गायब हो चुका है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि इतनी धुंध है। जम्मू में इतना फॉग जो है वो यहाँ पर हो चुका है। और ठंड की अगर मैं बात करूँ तो ठंड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और इस ठंड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ से आपको पहले बावे वाली माता के आप लोग दर्शन करते थे, यहाँ से माथा टेकते थे, अब वो मंदिर भी यहाँ से लुप्त हो चुका है। यानी कि इतनी ज़्यादा धुंध है कि आगे दिखाई ही कुछ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आम इंसान के लिए ये है, क्योंकि देखिए जितने भी वाहन चल रहे हैं, ये गाड़ियां चल रही हैं, उनको ध्यान से गाड़ी चलानी है। और जब भी इस प्रकार का मौसम आप अगर देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइट ऑन करनी है। मेक श्योर कि जब इस प्रकार का मौसम हो, जब चारों तरफ आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो, सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही हो, आपको ये श्योर करना है कि सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की दोनों लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दें। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेदर के, अगर मैं एक आंकड़े के मुताबिक आपको बताऊं तो लगभग 2.5% हादसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉग की वजह से होते हैं, धुंध की वजह से होते हैं, यानी कि बैड वेदर की, जिसको हम बैड वेदर भी कहते हैं। आज मौसम खराब है और इसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। 2.5% एक्सीडेंट जो है, हादसे जो हैं, वो महज बैड वेदर की वजह से, यानी कि धुंध के कारण होती है। आगे कुछ नहीं दिखाई देता, तेज गाड़ी चलती है, वाहन तेज चलता है, उसकी वजह से हादसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 2019 की अगर मैं बात करूं, ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़ा जो है ये 2019 का है। 2019 में लगभग 2.5% हादसे जो है, एक्सीडेंट जो है, वो खराब मौसम की वजह से हुए हैं, बैड वेदर की वजह से हुए हैं। जैसे अब आप देखिए कि यहां पर आपको यहां से बावे आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बावे मंदिर, बावे माता रानी का मंदिर यहां से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ना दिखाई देने का कारण सिर्फ एक है कि चारों तरफ जो है वो अब धुंध ही धुंध है। और ठंड की अगर मैं बात करूं तो ठंड इस समय बहुत ज्यादा हो चुकी है। आपको कोई भी ऐसा शख्स यहां पर बगैर कैप के नहीं देखने को मिलेगा, और बगैर कैब के कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तकरीबन सभी लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, सब ने खुद को अच्छे से ढका हुआ है, और ये अच्छी बात है। और तकरीबन अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तकरीबन हर एक गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ऑन हैं। जो लोग ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है, ये फॉग जब आता है, यानी कि ये जब धुंध पड़ती है तो आगे कुछ नहीं दिखाई देता, और उसी के चलते जो है वो हादसा हो सकता है। ये देखिए, यहां से अगर आप सामने देखेंगे तो ये फोर्थ ब्रिज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अभी छुप गया है इस धुंध की वजह से। चारों तरफ ये धुंध ही धुंध आपको दिखाई दे रही है। देखिए, मानो ऐसा लगता है कि बस यहां से आगे दुनिया है ही नहीं, इस प्रकार की धुंध जो है वो इस समय जम्मू में। और इस समय जहां मैं तवी ब्रिज के ऊपर खड़ा हूं, और मानो यहां पर हवा इतनी तेज है, इतनी इतनी ठंड यहां पर लग रही है कि आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार की कंडीशंस जब हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये इस तरफ दिखाइए, यहां से देखिए आधा गुज्जर नगर जो है वो इस धुंध में छुप गया है, आधे से ज्यादा। आपको तो ये देखिए गुज्जर नगर छुप गया है, यहां से बावे वाली माता का मंदिर जो है वो छुप गया है, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जब भी
इस प्रकार का मौसम हो और आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलें, तो मेक श्योर अगर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो गाड़ी, तो पहली बात गाड़ी आप धीरे से चलाइए, और दूसरी बात जब भी आप गाड़ी चलाएं तो अपनी लाइट्स जो हैं गाड़ी की वो दोनों ऑन करके रखें, और हाई बीम पे नहीं, हाई बीम पे ज़्यादातर लोग हाई बीम पर गाड़ी चलाते हैं, हाई बीम पे मत चलाइएगा, लो बीम पे आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन लाइट्स जो हैं वो ज़रूरी है आपको ऑन करना, और ट्रैफिक जो गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो कीजिए। और आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे अहम बात, मौसम कुछ इस प्रकार का है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो कभी भी बंद हो सकता है, तो जब भी आपको अगर कुछ लोग, अगर जो भी लोग जम्मू से श्रीनगर जाने की तरह सोच रहे हैं या श्रीनगर से जम्मू आने की सोच रहे हैं, तो एक बार ट्रैफिक, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस से ज़रूर कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाना है या श्रीनगर से जम्मू की तरफ आना है, तो क्या गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं, यानी कि हाईवे जो है वो खुला है या फिर बंद तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकल रहे हैं और नगरोटा में पहुंचे, आपको वहां पर मालूम चले कि आगे तो हाईवे बंद है, तो उस समय आप सबको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा ही कुछ श्रीनगर से जम्मू की तरफ जब आप आ रहे होंगे तो कंफर्म कर लीजिए, आप जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का जो ट्विटर है उस पर आप जा सकते हैं, वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को कॉल कर सकते हैं, वहां से उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आज हाईवे बंद तो नहीं है। आप लोग देखते रहिए अलीपोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।